नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ फारूड यादव। आज की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी हमारे जिन दर्शकों ने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए उसमें नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। दिल्ली में आज किसानों का मार्च, उपराज्यपाल के घर पर कड़ा पहरा। राकेश टिकैत बोले, उपराज्यपाल से नहीं मिलने दिया गया तो दिल्ली कूच करेंगे किसान। अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे देश के किसान, बुआई से पहले ही मालूम चल जाएंगे फसल के दाम और डिमांड। डेयरी फार्म खोलने के लिए किसानों को मिलेगी 66% तक की सब्सिडी। खेती किसानी के साथ पशुपालन से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार पिछले 7 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लेकिन इस बीच दिल्ली में हालातों को देखकर उपराज्यपाल के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। उनसे मिलने के लिए किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हमारे लोगों को उपराज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया तो हम दिल्ली कूच करेंगे। हम कैसे जाएंगे, इस पर हम अभी बैठक कर रहे हैं, हम उपराज्यपाल के पास जाकर ही रहेंगे। हालांकि इसके बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि कुछ किसान उपराज्यपाल से मिलना चाहते हैं, कुछ लोग दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों से आए हैं और कुछ अलग से आए हैं। उन्हें मिलने की इजाज़त दे दी गई है, वो शांतिपूर्ण ढंग से उपराज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप देंगे। इसके अलावा मार्च करते हुए किसानों ने हरियाणा के पंचकुला में बैरिकेड भी तोड़ दिया। इस दौरान सैकड़ों किसान यहां इकट्ठा हुए थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। यहां पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हो गई। किसानों का कहना है कि अब किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिना कृषि कानूनों को वापस किए किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर वापस अपने गाँव नहीं जाने वाले हैं। सरकार जल्द ही देश के छोटे बड़े हर किसान को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की तैयारी कर रही है, जहां उन्हें कृषि संबंधी हर जानकारी मिलेगी। खेतों से लेकर बाजार तक किसान हर तरह की जानकारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए ले सकेंगे। वहीं इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसान अपनी फसल भी बेच सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को एग्रीस्टेक का नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत बतौर पायलट प्रोजेक्ट 7 राज्यों में हो रही है। इन राज्यों के 800 गांवों से किसानों व उनकी कृषि भूमि का डाटा इकट्ठा करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। खेती किसानी को स्मार्ट बनाने के लिए कृषि मंत्रालय एग्रीस्टेक नाम से एक डिजिटल सेवा शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में हर गांव के हर किसान की जमीन को एक यूनिट की तरह माना जाएगा और इन सभी यूनिटों के डाटा पॉइंट को एग्रीस्टेक से जोड़ा जाएगा। इसके बाद पब्लिक और निजी क्षेत्र की सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने कई बड़ी चेक कंपनियों के साथ करार किया है, जिनमें अमेज़न से लेकर पतंजलि तक कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कहना है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसानों को फसल उगाने से पहले ही इस बात की जानकारी मिल सके कि बाजार में उनकी फसल की मांग कितनी होगी या इसकी क्या कीमत मिलेगी। लेकिन एग्रीस्टेक में सभी किसानों को एक यूनिट आईडी दी जाएगी जो उनके आधार नंबर से जुड़ी होगी। इस आईडी में किसानों की जमीन की जानकारी मौजूद होगी, जमीन की उपज और उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी भी इसमें शामिल होगी। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले सभी लाभ किसानों को मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत जमीनी स्तर पर ऐसा डाटा जुटाया जाएगा जिससे सरकार किसानों को खेती किसानी से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध करवा सके। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन, बागवानी और मछली पालन को भी साथ साथ बढ़ावा दे रही है। ऐसे में हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में पशुपालकों को सब्सिडी पर दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल राज्य में चलाई जा रही डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत राज्य के किसानों से इसके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। योजना के तहत किसानों को 2 डेयरी पशुओं के लिए सब्सिडी दी जा रही है। पशुओं में दुधारू पशु जैसे गाय या भैंसों को शामिल किया गया है। योजना के तहत कुल लागत मूल्य पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने 2 पशुओं के लिए 1,40,000 रूपए निर्धारित किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 50% और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 66.6% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
खास बात यह है कि लाभार्थी योजना के तहत बैंक लोन भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2021 से 22 में 950 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।